अभी काफ़ी फ़नी और लॉन्ग स्टोरी डेफिनेटली है, बट मेरा ज्योति से फर्स्ट टाइम मिलने का मोमेंट जो मेरे को अब तक याद है वो था कि आई सॉ हर प्लेइंग बैडमिंटन इन द कॉम्प्लेक्स वेयर वी आर लिविंग. सो डेफिनेटली वो इंटरेक्शन तो कुछ था नहीं, बस मैंने उसको तभी देखा था एंड दैट्स इट. वो मेरे को फ्लैश याद है अभी तक. मेरे को अभी भी याद है उसने एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना था, डॉल्स एंड गबाना से DNG लिखा हुआ था उसके ऊपर, जो बस हाँ वो मेरे लिए एक मेमोरी अब तक को फ्रीज्ड है मेरे माइंड में. I was playing in badminton and he came on cycle and he saw me but I didn't saw him or then he was trying too hard to become a friend or fir slowly he was friend with I think so first with Anil then Naresh and then slowly he started talking to me as well. So हाँ मतलब वो था एक point जहाँ पर उसने मेरे को देखा था, मैंने उसको नहीं देखा था, पर फिर मैंने उसको कब देखा वो मेरे को याद नहीं है. जाओ जी मन दीत कराओ जी रा क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी हर सले उन भंगा दी मैं कह लगे मर बुड़े में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा सीरे झुम 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 ओ मारे इबड़े में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाधी खुशी रे झुम 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 जो हम बोलते हैं ना, जैसे स्कूल के टाइम का एक क्रश होता है, जैसे किसी को देखा क्रश आ गया, हमने कोई टीचर को देखा हमें टीचर पसंद आ गई. सो मेरा वैसा टाइप का था ये कि आई सॉ हर एंड आई लाइक्ड हर बट आई नेवर एक्सप्रेस्ड हर. मैंने कभी बताया नहीं कि आई लाइक यू काइंड ऑफ थिंग एंड वी वर जस्ट नॉर्मल. इतना इंट्रैक्शन भी नहीं, कभी मिल गए. फिर हम लोग का धीरे धीरे करके फ्रेंड सर्कल बनने लगा एंड वी वर टुगेदर विद ऑल द फ्रेंड्स. हम लोग काफ़ी बाद में, हम लोग का एक अच्छा कोइंसिडेंस ये था कि हम लोग के ट्यूशन टीचर्स सेम होने लगे बिकॉज वी वर लिविंग इन द सेम कॉम्प्लेक्स. कोइंसिडेंटली मैं वही बिल्डिंग में आके रहने लग गया जिस बिल्डिंग में ज्योति रहने लग गई. सो दैट वॉज अ गुड साइन फॉर माई सेल्फ टू गो इन द सेम पाथ वेर आई वॉज थिंकिंग ऑफ. बट हाँ, वैसा कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट नहीं था कि जब मेरे को कि हाँ शी इज़ द वन आई हैव टू मैरी हर और नथिंग लाइक दैट. इट वॉज जस्ट वेरी मच इन द फ्लो कि हम लोग साथ में पढ़ रहे थे एंड वी गॉट सो मच यूज टू ईच अदर कि हमको लग रहा था कि हाँ इट्स देर इज नो नीड टू सी बैक एंड फाइंड समवन एल्स. आई एक्चुअली नेवर थॉट अबाउट इट. एक्चुअली विशाल ही प्रपोज मी टू मैनी टाइम्स. लाइक वो ऐसा हमारे बीच में इतना कॉमन और रेगुलर था. मैं बस कर यार, बस कर यार, बस कर. देन ही वॉज लाइक कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग टिल यू सक्सेस. और उसने फाइनली, उसको सक्सेस मिल गया. मैंने फाइनली उसको हाँ बोल दिया.
happy when I'm with you. Home for me is where you are. I try to smile and push on through, but home for me is where you are. They tell me that I'll make it, it'll only be a while, but a while lasts forever without you. Send out the alarms, I'm all alone. Wrap me in your arms and take me home. Take me home to your arms. See in his eyes, like, he is too caring. He is like Anil Bhai and Vishal are on same level. Jab wo, Anil Bhai actually thoda upar hai, but haan, wo ek same level pe hai, jahan pe meko dikhta hai ki nahi, dono hi, sirf pyar pyar nahi, wo andar se, jo mere saath hamesha, mereko kahin akela nahi chhodna, na exams hall, ना कहीं पे भी. ट्रेन में हम लोग ने जो स्ट्रगल किया है ऑस्ट्रेलिया में, साथ में हर जगह पे साथ में घूमे हैं, तो फिर वो एक था कि इससे बेटर तो अब कोई नहीं हो सकता. जो ये समझता है वो कोई नहीं समझ सकता.
And then I said yes. सुखा मन के अंदर क्यों रह गया
ऐसा तो कुछ नहीं है स्पेशल मेमोरी. एक्चुअली हम लोग एक कॉम्प्लेक्स में एक साथ रहे हुए हैं, रोज़ मिलते हैं. अब वो कितना स्पेशल स्पेशल कितना होता रहेगा. रोज़ मिलते थे, गए ऑस्ट्रेलिया साथ में, वो भी साथ में. हाँ, मे भी हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरा वीज़ा आया, और मतलब विशाल का ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गया था बट मेरा वीज़ा नहीं आ रहा था, सो मेरे को भी वीज़ा मिल गया. मतलब था कि हाँ, तभी वैसा कुछ ऐसा कुछ था नहीं, पर तभी हमने सोचा कि वीज़ा साथ में आ गया. विशाल का तो शायद होगा मन में, मेरे मन में कुछ नहीं था वैसे, पर शायद वो स्पेशल टाइम था. बट मुझे एक चीज़ याद है कि हम लोग ने जब भी कॉलेज कंप्लीट किया था, जब हम पूरे 11 टू 15 का जो ग्रेजुएशन का पूरा पीरियड था वो हमने साथ में बिताया था, पूरा स्टडीज़ फेज साथ में था. तो वो मेरे को पीरियड याद है कि ज्योति ने मेरे को बोला था कि तू है, इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा था. एंड शी गेव मी अ वॉच विच आई स्टिल हैव इट.
और वो वॉच मैं अभी भी रखता हूँ और अभी भी पहनता हूँ कभी कभी. सो दैट इज़ वन ऑफ द मोमेंट आई रिमेंबर कि हाँ उसने मेरे लिए एक स्पेशल किया था. I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke it down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. Yesterday, in the records that I play, please forgive me for all.
flock of birds hovering above. Just a flock of birds. That's how you think of love. था जो ज्योति के पीछे पड़ा हुआ था ऑल टाइम, तो मैंने प्रपोज किया था उसको. आई वुड से नॉट जस्ट वंस, आई हैड प्रपोज्ड हर सो मेनी टाइम्स एंड शी एग्रीड. आई डोंट नो व्हेन शी एग्रीड, बट या शी एग्रीड. पूरा एक जर्नी और ये पूरा एक फेज़ बहुत ही एक्साइटिंग है, स्पेशली तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि तुमने कपड़े वपड़े शॉपिंग वॉपिंग तुमको बहुत मज़ा आ रहा है ये सब करने में. एंड मैं कोशिश करूँगा पूरी कि हम ऑस्ट्रेलिया जाके भी पूरे ही जोश में और ऐसे ही खुशी खुशी कुछ ना कुछ इवेंटफुल और जॉयफुल करते रहे. Da-d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 a
We'll be right back.
आदत रूबरू हो गए I'm not afraid to die.